एवं भाकपा माले के द्वारा दिया गया एक दिवसीय धरना। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मासिक भाकपा माले और मकरशावादी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी आदि मांगों को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय उपवास धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नकुल देव सिंह ने की है एवं संचालन भाजुमो जिला अध्यक्ष पवन महतो ने किया, जिसमें मुख्य रूप से मासिक के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो उपस्थित हुए। धरना को संबोधित करते हुए हलधर महतो ने कहा कि पेगास जासूसी से लेकर झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद बिक्री का हथकंडा तक भारत के संवैज्ञानिक गणतंत्र के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी साजिश का संकेत दिखाई पड़ रहा है। इस धरना के माध्यम से तमाम विपक्षी ताकतों, मानव अधिकार संगठन, आंदोलनकारी ताकतों की न्यायिका जांच की मांग हमें है। एक दिवसीय उपवास धरना मुख्य रूप से इन्हीं सब मांगों पर आधारित है। साथ ही श्री महतो ने कहा कि अभी कहां है केंद्र की मोदी सरकार, एक कार्यकाल में महंगाई चरम पर है, गृहिणी का घर का बजट से बाहर हो गया है, महिलाओं को इससे लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बेरोजगार देश पूरे विश्व में अलग स्थान पर कायम है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। आज मार्क्सवादी संगठन और भाकपा माले मार्क्सवादी युवा मोर्चा के संयुक्त रूप से आज पूरे झारखंड में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा पेशासस जासूसी कांड जो किया है उसके विरोध में और संविधान का जो साजिश के तहत संविधान को छेड़छाड़ कर रहा है, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, इसके खिलाफ साथ साथ स्थानीय में झारखंड में आज इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट किया, इसमें देखने को मिला कि किसी को टॉप कर दिया, किसी को फेल कर दिया। जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो फिर जब पास करने का घोषणा सरकार किया तो सभी छात्रों को पास करना चाहिए, जबकि फेल कर दिया। सर, आपकी मांगे क्या है, आप किस कुछ मुद्दे में लेकर बैठक किए हैं आज, क्या आपकी मांगे? आप ये मांग के आज सरकार से लेकर झारखंड सरकार केंद्र सरकार का जो जासूसी कांड किया उसका न्याय जांच होना चाहिए और संविधान के लोकतंत्र को हत्या कर